एक अकेला आदमी था जिसका नाम राजू था। वह एक पेंटर था और उसका प्यार नेचुरल पेंटिंग में था। एक दिन राजू ने फॉरेस्ट ट्रैकिंग के दौरान एक घने जंगल के बीच एक खास स्थान पर एक बड़े दीवार पर ध्यान दिया। सुबह के समय जब सूरज की किरणें उस दीवार पर पड़ी तो उसने एक विचित्र आयरिस बेस पर ध्यान दिया। उसे लगा कि उस पत्थर पर एक टाइगर का चित्र बनाने की संभावना है। राजू ने अपने काम का आरंभ किया। वह अपने पेंट ब्रश का प्रयोग करके दीवार पर अपनी कला को जीवंत करने लगा। धीरे धीरे दीवार पर चित्रकला के जरिए बाघ का साक्षात्कार होने लगा। धूप का ताप बढ़ता रहा पर राजू का ध्यान न कभी टूटा। वह अपने काम में इतना लिप्त हो गया था कि उसे अपने चर्चित शिकार की बजाय धूप का एहसास ही नहीं होता था। समय बीतता गया और सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा। अंततः संध्या के समय के साथ राजू ने अपने काम को समाप्त किया। वह अपने बनाए गए चित्र को देखता है तो वह हैरान हो जाता है कि कैसे वह एक अकेले इस जंगल में सिर्फ एक दीवार का उपयोग करके इतना खूबसूरत और बड़ा चित्र